तो है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुए रो के बारे में। आज हुए रो के कुछ मेन टॉपिक्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज मंडे नाइट रो के अंदर ड्राफ्ट है वो कंटिन्यू रहता है, एंड दोस्तों लोगन पॉल के साथ आईएसओ स्पीड है वो रो के अंदर अपना रिटर्न करते हैं। रसलमेनिया के अंदर रैंडी ओरटन ने उनको उनकी नानी याद दिला दी थी, एंड उनकी गर्दन में थोड़ी बहुत इंजरी हुई थी, लेकिन फाइनली आईएसओ स्पीड ने रो के अंदर अपना रिटर्न करा एंड उन्होंने सीएम पंक को सिलेक्ट करा था ड्राफ्ट के अंदर। तो सीएम पंक है वो मंडे नाइट रो के अंदर स्टे करेंगे, एंड दोस्तों ड्र्यू मैकइंटायर भी रो के अंदर रहने वाले हैं। इसके बाद बात करें नेक्स्ट स्टोरी की, तो दोस्तों ब्रोन स्ट्रोमन ने अपना रिटर्न कर लिया, एंड उन्होंने दोस्तों जे उसो को सेव करा है लोगन पॉल एंड जजमेंट डे से। तो ब्रोन स्ट्रोमन है वो वापस आ चुके हैं, एंड ब्रोन स्ट्रोमन मंडे नाइट रो के सुपरस्टार होने वाली हैं। एंड दोस्तों ब्रोन स्ट्रोमन न्यू फिजिक्स एंड न्यू हेयर कट के साथ WWE में वापस आई हैं, जैसे कि 2015 एंड 17-18 में ब्रोन स्ट्रोमन हमें देखने को मिलते थे। तो ब्रोन स्ट्रोमन का रिटर्न हो चुका है, वो जे उसो के साथ उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ टीम अप कर रहे हैं। बाकी दोस्तों रो के अंदर मेन इवेंट में जे उसो रिकी से एंड एंड्राडे वर्सेस जजमेंट डे का सिक्स मैन टेक टीम मैच होता है, जिसके अंदर फिन बेलर को जे उसो ने पिन कर लिया, जिसके बाद जे उसो एंड डेमियन प्रीस्ट का तगड़ा फेस टू फेस सेगमेंट होता है, एंड दोस्तों बेकलेस में इनका मैच होने वाला है। वैसे जे उसो नहीं जीतने वाले, तो देखते हैं क्या कुछ होता है बेकलेस में जे उसो एंड डेमियन प्रीस्ट के मैच में। बाकी दोस्तों सेमस एंड ब्रोन ब्रेकर का फेस टू फेस रो के बैक स्टेज में देखने को मिला, जो कि काफी कमाल का था। बाकी दोस्तों अगर आपने रो का एपिसोड देखा है तो आपको रो में कौन सा मोमेंट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके बताओ। वीडियो घिसी पिटी थी तो इसे लाइक करो या ना करो कोई फायदा नहीं है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।